बोलना चाहती हूँ। अब शुरू से शुरू से क्या बोलूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर करके। कब से आपसे रुकी थी कि आप एकदम फ्री हो जाए तब मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि नर्वसनेस इतनी है कि हाथ मेरे कांप रहे हैं। तो अभी अभी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं आप? जी 49,000 की वैकेंसी में। अच्छा, एक साल हो गए ज्वाइनिंग को। एक साल ज्वाइनिंग जी गोरखपुर पुलिस में घोटना थाने पे। परफेक्ट। और बिल्कुल मेरा मन था घोटना थाने का, और बट मैं आ नहीं पाई वहाँ तक किसी वजह से। उस समय कोविड था जब मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी। एसआई का भी मैंने प्रिपरेशन करा था निश्चय बैच लेकर के, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन मैं अंडर ट्रेनिंग थी इसलिए एग्जाम बहुत मुश्किल से दे पाई और फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। परफेक्ट। आपने जो ये कांस्टेबल के लिए तैयारी करी थी वो एग्जामपुर से ही करी थी? एग्जामपुर से करा था, उस समय सर यूट्यूब पे पढ़ाते थे। हाँ। उनका मतलब अभी एग्जाम स्टार्ट चलता किया था। हाँ, स्टार्टिंग था उनका। ये आप लोगों का सपोर्ट रहा कि आज हम 9 मिलियन तक हैं और बहुत जल्दी 10 मिलियन भी करेंगे, 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी होंगे। इतने आगे जाए मैं बोल रही हूँ तो और ज्यादा। विवेक सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विवेक सर के लिए आप पर्सनली क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई अपनी मम्मी पापा के लिए दुआ मांगता है भगवान से, वैसे ही वो मेरे लिए है। विवेक सर, मैं, मेरी दीदी, मेरे और भी भाई बहन और जितने मेरे साथ के स्टूडेंट्स रहे हैं उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ एग्जामपुर से पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल रहा है। परफेक्ट।